दोस्तों वीवो लॉन्च करने वाला है वीवो वी 23 सीरीज फ़ोन को इंडिया में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो वी 23 और वीवो वी 23 प्रो फ़ोन के बारे में। ये दोनों फ़ोन 5G होने वाला है और ये दोनों फ़ोन 5 जनवरी को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो इन दोनों फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर है। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। वीवो वी 23 फ़ोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें डुअल नॉच दिया गया है, इसमें पांचल देखने को नहीं मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो इसमें आपको 20.9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो वीवो वी 23 प्रो फोन इसमें डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा 6.56 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें भी डुअल आपको नॉच देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा सा नॉच देखने को मिलेगा। बड़ा नॉच में आपको डुअल सेल्फी कैमरा दोनों फ़ोन में देखने को मिल जाता है, इसलिए थोड़ा बड़ा सा नॉच दिया गया है दोनों फ़ोन में। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। और ये दोनों फ़ोन का कैमरा का बात करें तो वीवो वी 23 फ़ोन में इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का f1.9 का साथ में दिया जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। जो टाट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे बात करें तो वीवो वी 23 प्रो फोन इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है इसमें दिया जाएगा 108 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर का साथ में। जो सेकेंडरी कैमरा है सेम ही होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। और जो डार्ट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर है इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन में डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो वीवो वी 23 फ़ोन का सेल्फी कैमरा कितना होने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं है। तो इसमें हो सकता है जो प्राइमरी सेंसर होगा इसमें 44 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, या सिंगल होगा या डुअल होगा ये भी पता नहीं। डुअल कैमरा मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे डुअल सेल्फी कैमरा होने वाला है। जो सेकेंडरी कैमरा होगा इसमें 8 मेगापिक्सल का दिया जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी 23 प्रो फोन इसमें सेल्फी कैमरा कंफर्म हो गया है। जो प्राइमरी सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का दिया जाएगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा में डुअल टोन एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोनों फ़ोन का प्रोसेसर परफॉर्मेंस का बात करें तो वीवो वी 23 फ़ोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। यह 5G प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड 2.5 GHz पर चलता है। और इसका GPU का बात करें तो मान लीजिए 68 MC4 देखने को मिल जाएगा। यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर आधारित है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी 23 प्रो फोन इसमें भी आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड होने वाला है 3 GHz क्लॉक स्पीड पर चलेगा। और GPU का बात करें तो मान लीजिए 77 MC9 देखने को मिल जाएगा। यह प्रोसेसर भी 6 नैनोमीटर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में तो यहाँ पे विनर है वीवो वी 23 प्रो फोन। दोनों फ़ोन का यहाँ पे OS यूज़र इंटरफेस का बात करें तो दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और साथ में कलर OS 12 देखने को मिल जाएगा। दोनों फ़ोन का वर्णन का बात करें तो दोनों फ़ोन में आपको 8GB रैम देखने को मिल जाएगा, 12GB रैम देखने को मिल जाएगा और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोनों फ़ोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, आपको इसमें मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते आप इस फ़ोन में। दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो वीवो वी 23 फ़ोन में इसमें 4200 mAh का बैटरी दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी 23 प्रो फ़ोन इसमें आपको
4300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा और दोनों फोन में चार्जिंग सेम देखने को मिल जाएगा। 44 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों फोन में USB टाइप सी दिया गया। दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों फोन 5G के साथ ही आएगा। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बढ़िया शाइनी डिज़ाइन होने वाला है। वीवो का डिज़ाइन आप लोगों को तो पता ही है, काफ़ी बढ़िया शानदार डिज़ाइन रहता है। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो प्राइस दोनों फोन में कन्फर्म नहीं है, तो ये मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे वीवो V23 फोन या 30,000 का अंदर रहेगा, अंडर 30,000 रहेगा। और यहाँ पे बात करें तो Vivo V23 Pro फोन, ये फ़ोन आपको 30,000 से ऊपर रहेगा, 40,000 का अंडर रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस रहेगा, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। Vivo का फ़ोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आप लोगों को पता, लेकिन फीचर भी ऐसे ही देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का डिफरेंस का बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। Vivo V23 Pro फोन में आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रियर कैमरा बढ़िया देखने को मिल जाता है, सेल्फी कैमरा बढ़िया दिया गया। इसमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाता है, बैटरी थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिल जाता है। ये दो तीन चीज़ बेटर देखने को मिल जाता है आपको Vivo V23 Pro फोन में। ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने वाला है 5 जनवरी को इंडिया में, 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, 5 जनवरी 2022 को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा और क्या आप लोग ये वेट कर रहे हैं दोनों फ़ोन के लिए, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो भी स्पेसिफिकेशन बताया हूँ ये कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, पूरा सब कन्फर्म नहीं हुआ है। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।